हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। आइए शुरू करते हैं। पावर बीआई में आपको पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे: डेटा सेट, विजुअलाइजेशंस, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और टाइल्स। इन पांच चीजों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका डेटा सेट या डेटा। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप पावर बीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे आपका बिजनेस 1 मंथ पुराना है या 10 साल पुराना है, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप पावर बीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए अब एक एक करके इन पांचों चीजों पर नजर डालते हैं। डेटा सेट। ए डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक डेटा सेट, हम एक कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं। डेटा सेट दो टाइप की हो सकती है: सिंपल डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। सिंपल डेटा सेट हम तब कहेंगे जब आपके पास एक एक्सेल वर्कबुक हो और उसमें खाली एक सिंगल टेबल हो, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हम तब कहेंगे जब आप इस डेटा सेट में बहुत सारे डेटा सोर्सेस से डेटा लाकर इसमें डालेंगे। अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपने जो डेटा है वो 10 सोर्सेस से लाया हुआ है, तब भी आप उसको एक सिंगल डेटा सेट ही कहेंगे। विजुअलाइजेशंस या विजुअल्स। पावर बीआई के अंदर डेटा सेट क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है विजुअल्स की, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या आप अपने डेटा को एज अ चार्ट देखना चाहते हैं, एज अ ग्राफ देखना चाहते हैं, या आप अपने डेटा को एक मैप की सूरत में देखना चाहते हैं? ये सभी पॉसिबल है पावर बीआई विजुअलाइजेशंस की मदद से। रिपोर्ट्स। ए रिपोर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशंस। जैसे हमने पहले डेटा सेट की बात की कि डेटा सेट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसी तरीके से एक रिपोर्ट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशंस को कहते हैं। रिपोर्ट्स में हम बहुत सारी विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सेल्स प्रेजेंटेशन रिपोर्ट या एक स्कूल असाइनमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं। एक रिपोर्ट या तो एक पेज का हो सकता है या बहुत सारे पेजेस का भी हो सकता है। आप अपने रिपोर्ट्स पावर बीआई सर्विस में भी बना सकते हैं। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है कि आप उस रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस में पब्लिश कर दें। इससे आप अपना काम जो है वो अपने टीम मेंबर्स या कोवर्कर्स को दिखा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप जब एक रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो वहां आप उस रिपोर्ट के कुछ अहम अहम चीजें एक डैशबोर्ड या कैनवास पर पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रिपोर्ट क्रिएट की है जिसमें 10 पेजेस है और उन 10 पेजेस में कुछ अहम अहम विजुअलाइजेशंस है जिस पर आपको हर दिन नजर रखनी है, तो आप उन 10 विजुअलाइजेशंस को पिन कर सकते हैं। इससे आपको हर दिन इस रिपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डैशबोर्ड्स को शेयर भी कर सकते हैं। जब आप एक रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो आप उस रिपोर्ट को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी
देख सकते हैं। आप जब एक रिपोर्ट के विजुअलाइजेशंस एक डैशबोर्ड पर पिन कर देते हैं, तो हर एक विजुअलाइजेशन एक टाइल की सूरत ले लेता है। इस टाइल को आप बड़ा, छोटा या आगे पीछे करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम नजर डालेंगे पावर बी आई डेस्कटॉप पर और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे आप पावर बी आई डेस्कटॉप में डेटा ला सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।